बिहार में 6,379 जूनियर इंजीनियर की बहाली लटक गई है। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बहाली नियम को लेकर दायर की गई 8 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। बहाली नियम को लेकर राज्य सरकार की ओर से हल्फनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने बहाली के लिए जारी विज्ञापन को वापस ले लिया है। अब नए नियम बनाकर फिर से विज्ञापन जारी किए जाएंगे और नए सिरे से 6,379 जूनियर इंजीनियर की बहाली की जाएगी। आपको बता दें, न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने संजय कुमार चौहान सहित 7 अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से एडवोकेट एसएस सुंदरम और एडवोकेट दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि पब्लिश एडवर्टाइजमेंट में जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है वह कानूनन गलत है। उनका कहना था कि AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों से पास छात्रों को बहाली में भाग लेने का विज्ञापन 2019 में प्रकाशित किया गया है, जबकि डीम यूनिवर्सिटी सहित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों को AICTE की बजाय UGC से मान्यता लेनी है। डिप्लोमा के लिए AICTE से मान्यता लेना नियमतः जरूरी नहीं है। आपको बता दें, बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर कर राज्य के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर की बहाली का निर्देश दिया है, जिसके लिए कोर्ट ने लगभग 6,379 पदों पर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया है जिसके लिए कोर्ट ने लगभग 6,379 पदों पर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने की बात कही है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर हल्फनामा को मंजूर करते हुए बहाली नियमों में बदलाव कर नए सिरे से बहाली विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसके पहले कोर्ट ने राज्य में जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली कई रीट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और सभी रीट याचिकाओं को निष्पादित कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को मनोविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर बहाली के लिए हुई परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की सिंगल बेंच ने वसुंधरा राज और संगीता कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद परिणाम पर रोक लगा दी। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह ने कोर्ट को बताया, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित कोटी में डाल दिया गया है। उनका कहना था कि आरक्षण नियमों को मनमाने ढंग से लागू किया गया है। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित कोटी में डालकर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। कोर्ट ने फिलहाल रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, 6,379 जूनियर इंजीनियर के पदों पर बहाली को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है हल्फनामा दायर करके कि वो वापस से विज्ञापन जारी करेंगे नए नियम बनाकर। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।